सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरूर या खामोशी, कुछ तो तोड़ना होगा। आलस या मंजिल, कुछ तो खोना होगा। अफसोस या ख्वाब, कुछ तो पिरोना होगा। रोना या सुकल, कुछ तो छोड़ना होगा। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आज का पंचांग 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि, रात्रि 9:21 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 11:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, आप अभी अपनी चिंताओं को शेयर करने और दूसरों से कनेक्ट होने की आवश्यकता महसूस करेंगे। यह चिंताएं छोटे भाई या सहकर्मियों से संबंधित हो सकती है। छोटी यात्रा या भ्रमण के लिए तैयार रहें। संगीत और डांस आकर्षित करेंगे और आपको खुशी और आत्ममूल्य की भावना दे सकता है। आज आपको अनियोजित काम करने पड़ेंगे और निश्चिंत रूप से आपका समय इस तरफ अधिक व्यतीत होगा। अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। अपने सहकर्मियों या अन्य लोगों के साथ यात्रा या कैंपिंग का मजा लें। जीवन में कुछ भी संभव है, बस परिश्रम करें और सकारात्मक महसूस करें। टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करना आपको अपने काम समय पर पूरे करने में मदद करेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात बहुत ही उत्तम रहेगी, साथ ही किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा। घर परिवार के कार्य भी समय अनुसार पूरे हो जाएंगे। आपके द्वारा लिए किसी गलत निर्णय की वजह से नुकसान होने की संभावना बन रही है। हर एक विचार को दो बार परख कर ही आगे बढ़ना होगा। परिवार के लोगों के दबाव की वजह से मानसिक रूप से घुटन महसूस होगी, लेकिन अभी के समय में किसी भी बात का विरोध करने की क्षमता आप में नहीं है। नौकरी करने वाले को अचानक से नौकरी से निकाला जा सकता है। रिलेशनशिप से संबंधित उलझने बढ़ती हुई नजर आ रही है। सावधानियां, अचानक बनते कार्यों में किसी वजह से विघटन बाधाएं भी आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। संतान से संबंधित कोई उम्मीद पूरी ना होने की वजह से मन व्यथित रह सकता है, परंतु डांट फटकार के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज साथी के साथ घूमने जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा और आप अकेले में कुछ रोमांटिक पल व्यतीत कर पाएंगी। अपने शौक जैसे संगीत नृत्य या कला को नजरअंदाज ना करें। पैसे कमाएं, पर इस बात का ध्यान रखें कि पैसा हमें ना कमाएं। पैसा कमाएं प्रेम फैलाने के लिए, आज का दिन भावुकता लेकर आया है। स्वयं और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। लोगों के बीच में बिना मतलब का अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने साथी से कोई भी चीज छुपाना भविष्य में आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। शादी की बहार के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। बात करते हैं करियर की। आप जीवन के उद्देश्यों को हमेशा गंभीरता से लेते हैं और यह आपका पॉजिटिव पॉइंट है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की नकारात्मक प्रतिक्रिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में आपको क्या चाहिए। याद रखें, जीत हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने वाली की होती है। आज आप आराम और एंजॉय करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन किसी कार्य की वजह से यह योजनाएं रद्द हो सकती है।
अनियोजित जिम्मेदारियाँ आपके समय और ऊर्जा दोनों पर प्रभाव डाल सकती है। कैंपिंग और हाइकिंग की भी संभावना है। इसमें आपके साथ आपके सहकर्मी और बॉस भी शामिल होंगे। यह दिन भावनाओं से भरा हुआ है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। एलर्जी अथवा त्वचा से संबंधित कोई परेशानी रहेगी। पेट दर्द की समस्या अधिक भी रह सकती है। आज का उपाय। आज भगवान विष्णु जी की पूजा करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।